आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के जब बीचों बीच यहां पर केन विलियमसन को चोट लगी थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि न्यूजीलैंड की टीम इतनी मजबूती से सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी को पेश करेगा। लेकिन इस मजबूती का और इस न्यूजीलैंड के कमाल के परफॉर्मेंस का जो श्रेय जाता है, वो जाता है न्यूजीलैंड के युवा खिलाड़ी यानी कि रचिन रविंद्र को। जी हाँ, अगर हम रचिन रविंद्र की बात करें तो उन्हें इस वर्ल्ड कप 2023 में केन विलियमसन की जगह टीम में मौका मिला है और रचिन रविंद्र ने इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ा है। जी हाँ, अगर हम रचिन रविंद्र की बात करें तो अभी तक इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के लिए वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम वर्ल्ड कप 2023 के ओवरऑल हाईएस्ट रन गेटर्स की लिस्ट पर नजर डालें तो उसमें रचिन रविंद्र तीसरे नंबर पर आते हैं। यानी कि अभी तक इस वर्ल्ड कप 2023 को रचिन रविंद्र ने पूरी तरह से अपने नाम किया है। लेकिन भारत को भी यानी कि टीम इंडिया को भी रचिन रविंद्र जैसा ही खिलाड़ी मिल गया है। हालांकि ये खिलाड़ी इस वक्त वर्ल्ड कप 2023 में तो नहीं खेल रहा है, लेकिन ठीक वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ये खिलाड़ी आपको जल्द ही टीम इंडिया में एंट्री करता हुआ दिखाई देगा। अब कौन है ये खिलाड़ी, टीम इंडिया को रचिन रविंद्र जैसा खिलाड़ी कौन मिला है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, और इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप भी हैं क्रिकेट एंथुजियास्ट और अगर आप भी करते हैं क्रिकेट को पैशनेटली फॉलो, तो आप भी चाहेंगे कि लाइव मैच का स्कोर आपको सबसे पहले पता लगे। और आपकी प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है क्रिक रॉकेट। जी हाँ, दरअसल क्रिक रॉकेट एक ऐसा ऐप है जो आपको आपके फ्रेंड के फोन की ऐप से दो बॉल पहले ही लाइव मैच का स्कोर अपडेट कर देगा। यानी कि सही मायने में क्रिक रॉकेट है बेटर, फास्टर, और सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिक रॉकेट पूरी तरह से फ्री है। तो बिना किसी देरी के आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसके साथ साथ इसके डाउनलोड लिंक को हमने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। वहां से आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड करिए और अपने फ्रेंड के फोन की ऐप से लाइव मैच का स्कोर दो बॉल पहले पाइए। वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट और मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन कितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन केन विलियमसन के इंजर्ड होने के बाद उनके शूज को बखूबी फिल किया है न्यूजीलैंड के युवा खिलाड़ी यानी कि रचिन रविंद्र ने। रचिन रविंद्र ने अभी तक इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में केन विलियमसन की कमी नहीं महसूस होने दिया है। जी हाँ, अगर हम रचिन रविंद्र की बात करें तो अभी तक इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में रचिन रविंद्र ने कुल 6 मुकाबले खेलते हुए 406 रन बनाए और इन 6 मुकाबलों में रचिन ने 2 अर्धशतक और 2 शतक भी लगाए, जहां पर उनका औसत रहा है 81.20 का और स्ट्राइक रेट रहा है 107.69 का। जी हाँ, अब तक इस वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में रचिन रविंद्र का नाम तीसरे नंबर पर है। यानी कि रचिन रविंद्र ने अब तक इस वर्ल्ड कप 2023 में अपनी टीम यानी कि न्यूजीलैंड की टीम और न्यूजीलैंड के फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। वहीं पर अगर हम रचिन रविंद्र की बात करें तो वो बॉलिंग भी करते हैं, और अगर हम उनकी बॉलिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो रचिन रविंद्र ने अभी तक इस वर्ल्ड कप 2023 में 6 मुकाबलों में कुल 3 विकेटें चटकाई हैं, जहां पर उनकी इकोनॉमी रही है 6.02 की। जिस तरह से अभी तक ये वर्ल्ड कप 2023 रचिन रविंद्र के लिए यादगार रहा है, उसी तरह से भारतीय टीम को रचिन रविंद्र जैसा ही एक खिलाड़ी मिल गया है। और ये खिलाड़ी कोई और नहीं, ये है असम के रियान पराग। अगर हम रियान पराग की बात करें तो एक तरफ तो वर्ल्ड कप 2023 है और दूसरी तरफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली जा रही है, और इसी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रियान पराग ने कहर ढाया हुआ है। जहां रियान पराग की बात करें तो 6 यानी कि लगातार 6 50s वो लगा चुके हैं, और अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक रियान पराग ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में कुल 7 मुकाबले खेलते हुए 440 रन बनाए हैं, और इन 7 मुकाबलों में रियान पराग ने 6 हाफ सेंचुरी लगा दिए हैं, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा है 192.98 का। जी हाँ, रियान पराग ने अब तक इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। यानी कि रियान पराग ने अब तक इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 को पूरी तरह से अपने नाम किया है। वहीं पर अगर हम उनके गेंदबाजी के आंकड़ों पर नजर डालें तो रियान पराग ने असम के लिए इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेटें चटकाई हैं, जहां पर रियान पराग ने अभी तक कुल 7 मुकाबले खेलते हुए 9 विकेटें चटकाई हैं, जहां पर उनकी इकोनॉमी रही है 7.14 की। जी हां, रियान पराग के इसी कमाल के प्रदर्शन को देखते हुए हमने कहा कि टीम इंडिया को भी रचिन रविंद्र जैसा खिलाड़ी मिल गया है। हालांकि ये खिलाड़ी अभी तो टीम इंडिया में नहीं है, लेकिन जैसे ही यहां पर वर्ल्ड कप खत्म होगा इस खिलाड़ी के टीम इंडिया में शामिल होने के पूरे पूरे आसार है। लेकिन अगर आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 को फॉलो कर रहे हैं और रियान पराग के परफॉर्मेंस को आपने करीब से देखा है, तो रियान पराग के परफॉर्मेंस से आप कितने ज्यादा इंप्रेस हुए हैं यही बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, लेकिन जाने से पहले नहीं किया है अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।